मंत्र का काम होता है तो आपस में लड़ाई झगड़े करे, एक दूसरे की चुगली करे, बुराई करे, वो मंत्र होता है। इसलिए मेरा यहाँ पर व्यक्ति सीधी साधी माताओं बहनों से निवेदन है, माताओं ऐसी मंत्राओं से बच गई है ना, अगर इनके चक्कर में पड़ गई ना तो पूरे घर का बंटा ढार हो जाएगा, बच के रहना इनसे। और भैया मंत्रा को अब देखो मंत्रा क्या चालाकी बताती, क्या कह रही है मंत्रा, मंत्रा बोली भैया माताओं बहनों मंत्रा कहने लगी कि देखो रानी तुम्हें एक काम करना होगा कि इसके लिए तुम्हें अपना श्रृंगार उतार कर और एकदम सादा वस्त्रों में फटे फटाए कपड़े पहनकर कुंभ भवन जाना होगा, और कुंभ भवन में पहुंचने के बाद फिर तुमको रानी क्या करना होगा, वहां पहुंचकर फिर तुम्हें एकदम फटी फटाई साड़ी को पहनकर अपने तुम्हारी आभूषण होते ना उनको तुम्हें अपने वहीं पर बखेर देना, पर फटी फटाई साड़ी पहन के वहीं पर गुस्से का चेहरा बनाकर वहीं बैठना होगा, और राजा दशरथ को भी वहीं बुलवा दिया। और जब राजा वहां पर पहुंची तो उनकी बातों में मत आ जाना, जब तक वो राम की शपथ ना ले तब तक अपने दो वरदानों के बारे में मत बोलो। बोले मैं कौन से वरदान मांगू, बोले रानी तुम ध्यान करो एक बार देवर से संग्राम के समय में तुमने उनके प्राणों की रक्षा की तो उस समय जब उनके प्राणों की रक्षा की ना तो उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम वरदान मांगो, तब तुमने कह दिया था मैं बाद में कभी मांग लू, बस ऐसा कहकर तुमने बाद में कभी मांग ली कह दी थी, अब उन वरदानों को मांगने की बात आ गई है, समय आ गया है, उन दोनों वरदानों का उपयोग करो, प्रयोग करो और राजा से इन दोनों वरदानों में मांगो, पहला तो राम की जगह भरत राजा बने और दूसरा राम को 14 वर्ष का बनवा। सज्जनों सुनकर केकई ने वैसे ही किया जैसे मंत्रा ने कहा, केकई भटे भटाए कपड़े पहनकर सीधे कुंभ भवन पहुंच गई, और वही कुंभ भवन पहुंचकर वहां ही अपने जो उसके हाथों में कड़ी वगैरह जितने भी आभूषण थे ना सब यहाँ पर वो वहीं पर जाकर लेट गई ना, तो वहीं पर चारों तरफ उसने बखेर और राजा दशरथ को भी अपनी दासी के माध्यम से तुरंत बुलवा दिया। अब भैया शांति के समय में राजा दशरथ आए, सांझ समय सान गया के कहिए गवन निज कान पट किए जनु दरी दे सने। सांझ के समय में राजा दशरथ केकई के भवन पहुंचे, केकई नहीं मिली तो सबको पूछा, मंत्रा को तक पूछा, नहीं मिली तो दासियों से पूछा, दासियों ने बताया कि वो तो खूब भवन गई हुई, सज्जनों खूब भवन का नाम सुनती राजा दशरथ जी सहम गए, डर गए, और एक बात और बताऊं डर भी इतनी जोर से गए कि उनके पैर भी एकदम स्थिर रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, फिर भी जैसे तैसे अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए वो खूब भवन पहुंची। तो सज्जनों वहां पर उन्होंने जो की गई की हालत देखी उसको देखकर सज्जनों राजा दशरथ बहुत जोर से डर गए और कहने लगी, फिर भी सज्जनों हालत को लेकर डरते हुए डरने के बावजूद फिर भी राजा दशरथ जी नियंत्रण रखते हुए अंदर गए, उन्होंने केकई को धीरे से हाथ लगाया, लेकिन सज्जनों केकई ने राजा के हाथ को झटके से हटा दिया और ऐसे घूर घूर कर देखा जैसे मानो क्रोध में भरी हुई नागिन देख रही है, उस नागिन के दो जीव मानो दो वरदानों की वासना और उसकी दो वरदानों की वासना मानो उसके दो दांत और वो काटने के लिए इधर उधर मौके की तलाश कर रहे हैं। सज्जनों अब राजा दशरथ कह रहे हैं बार बार क्या कह रहे हैं, के ही है तू रानी रानी पर सत पानी पतंग वार रही हुआ
सज्जनों अब राजा दशरथ जी काम बस ये समझते कि ये काम की कीड़ा, तो बस ये सोचकर वो कीकई से कहते हैं, और जो बात वो कहने जा रहे हैं सज्जनों एक बार नहीं बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं कि अनहित तोर प्रिया के राजा बना दूं और किसी पे देश निकाला जाए।
बोल रानी बोल, क्या करूं? अरे रानी, अगर तेरा शत्रु अमर भी होगा तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर भला ये कीड़े मकड़ों की तरह ये नानारी का लगती। रानी यहां तो सुनो, फिर ये नानारी कहीं नहीं लगती, तुम जो चाहो मैं तुम्हें देने तैयार हूं। हे रानी, तुम मेरी बात मानो और सबसे पहले अपना दुख का कारण बताओ और अपने सुंदर आभूषणों को सुंदर आभूषणों से सजा दो। सुनकर की कई सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने चली गई। वहां से लौट कर आई तो भैया फिर राजा दशरथ बोली कि तुम्हें अब जो भी चाहिए बेहद मांगो। मैंने बाबा की बात दूसरे नसली मनोहर का मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें जरूर दे दूंगा, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं नहीं दूंगा तो अब ध्यान से सुनो, मैं राम के 100 बार शपथ खाकर मैं आपसे ये कहता हूँ कि रानी तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। सज्जनों, इस तरह की बातें सुनकर यहाँ तक कि राम जी की 100 बार शपथ खाती थी दर्शन जी को जैसे ही की गई देखा देखा सज्जनों तो मंद बुद्धि की कही। यहाँ पर राजा दशरथ को देखकर मन ही मन में हंसते हुए फिर कहने लगी, क्या कहती है? बड़ी इटलाती हुई बोली कि मांग मांग पे कहूं प्रिय मैं बहु न दिए न लेउ तन कहूं पर गांठी तिमे बाबा के संग। राजन, आप देने की तो कितनी बार कह चुके हो मुझसे, कितना कहते हो, लेकिन आज तक आपने मुझे कुछ दिया है? आपने मुझे देवा के संग्राम के समय में जो वरदानों की लेने की कही थी, अब तो मुझे उनके मिलने पर भी संदेह हो रहा। इतना सुनती राज्य दशरथ को सारी बात ध्यान आई, बोले अरे रानी तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे उस समय तो तुमने इन दो वरदानों को आप खुद की धरोहर के रूप में कहकर रखने के लिए कहा था, फिर झूठे हमें क्यों दोष दे रही हो? बोली कि रानी ये तुम क्या कह रही हो? सज्जनों, राजा दशरथ कह रहे, कह रही रानी की गई, तुमने तो कहा था कि इनके धरोहर के रूप में रखने के लिए कहा था, पर हमें झूठे दोष क्यों दे रही हो? झूठिया माही दोष जन देऊ, मैं अपने अब तू ही वरदान चाहती हूँ, अब तू ही दे दो, बहुत बड़ी बात हो।
किते बोली किते को राजन आप पूछे तू ही बता दे तो बहुत बड़ी बात होगी। और बोली कि अब राजन मैं अपने दोनों वरदान मांग रही हूँ, कृपया मेरे वरदानों की इच्छाओं को पूरी कीजिए। और सज्जनों की कई बोली के बोली सुनहु प्राण प्रिय सुनहु प्राण प्रिय सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो
चली गई। राजा दशरथ की हालत बड़ी उचित, फिर भी वो रुक्मी देवी को समझा रहे, फिर भी कह रहे, क्या कह रहे, फिर भी वो रुक्मी देवी को समझाते हुए बार बार कह रहे कि रानी तुमने गलत वरदान मांगा, अभी भी समय अपने वरदान को पलट। बोले राम कठिन कर छाती लगे। आज हमारे राम जी का राज तिलक है,
कितना शुभ समाचार आएगा हमारे पास। सुनकर सज्जन सभी एकदम सुबह सुबह ही राजद्वार पर ही इकट्ठे हुए। बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई सज्जनों राजा दशरथ की बहन की प्रवेश द्वार पर। और भारी भीड़ इकट्ठी होने के साथ ही सज्जनों बताओ सभी की बस में मन में मात्र एक ही विचार क्या बोले राजा दशरथ अभी तक उठे क्या बात है राजा तो बहुत जल्दी उठ जाते थे आज तो उन्हें और भी जल्दी उठ जाना चाहिए था ये अभी तक नहीं हुई। तो प्यारी प्यारी माताओं मैनू अब जब राजा दशरथ के बारे में सोचते सोचते सभी बड़े व्याकुल हो गए अभी तक क्यों नहीं आए। गई भाट रघुकुल की वृद्धावली भी सुना पर भी राजा नहीं उन्हें राजा के आने की खबर नहीं मिली। तो सज्जनों जब उन सभी के बीच में तभी सुमंत जी आ रहा समी सुमंत्र जी से बोली कि देखो सुमंत्र जी हम तो बिना अनुमति के महल में प्रवेश नहीं कर सकते आपको अनुमति है आप जाइए जाकर पता लगाइए क्या बात है राजा अभी तक उठे क्या हुआ है। सुनकर प्यारी प्यारी माता मैंने तुरंत सुमंत्र जी अंदर गए पर अंदर जैसे ही रहना भैया तो अंदर जाते ही उन्हें भी डर लगा जैसे तैसे सज्जनों घूमते घूमते वो कुब भवन में पहुंचे तो सज्जनों वहां पर उन्होंने राजा दशरथ की जो हालत देखी उसको देखकर सज्जनों सुमंत्र जी की तो पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। सुमंत्र जी की तो सज्जनों पैरों तले मानो जमीन ही सुमंत्र जी तो बस सज्जनों माताओं वो तो क्या करते हैं अब जय जीव कहकर सिर नवाकर वहीं बैठ गए। तभी कई उन्हें देखा कहा कि अरे सुमंत्र तुम हो मैं तुमसे एक बात पूछना कहना चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जाओ और जाकर राम को बुला लाओ पर तुम्हें जो पूछना है सो पूछ लो क्योंकि न जाने राजा को क्या हुआ रात भर से राम राम ही जप रहे सुबह हो गई अभी तक बंद नहीं किया और रात भर सो रही नींद नहीं आई इसका कारण विधाता जाने पर तुम तो एक काम करो सुमन जाओ और जाकर राम को बुला कर। सुनकर सुमन जी थोड़े थोड़े राम जी को बुलाने चल दिए और जैसे ही सज्जनों राम जी को बुलाने के लिए पहुंच गए तो ये वहां पर पहुंचते ही तुरंत उन्होंने राम जी को सब बात बताई कि आपने आपके कई मैया ने बुलाया है राजा दशरथ के साथ में और उनको पवन में। सुनकर सज्जनों राम जी किस हालत में थे उसी हालत में दौड़ पड़े और राजा दशरथ के पास पहुंचते भैया राम जी जैसे ही वहां पहुंचे तो कुभवन में पहुंचते ही उन्होंने राजा दशरथ की जो हालत देखी उसे देखकर सज्जनों राम जी भी बड़े ही उदास बड़े दुखी। भगवान ने क्या देखा सज्जनों वहां पर कि एक तरफ तो दशरथ जी गंभीर धरती पर पड़े हुए दूसरी तरफ पास में ही कहीं खड़ी हुई। सज्जनों ये देखकर राज उन्हें ऐसा लगा जैसे मान के चलो कोई जवान और डरावनी शेरनी को देखकर कोई बूढ़ा हाथी डर के मारे गिर पड़ा। जाय देख रघुवंश मणि नरपति बेटा सैन पर उलघु सिंह नहीं मनहु व्रत गजरा। फिर भी भगवान धीरज धरते हुए क्या करते हैं तदपि धीर कर समय ऊंची मधुर वचन मोहि कहु मात तात दुख कारण करहि जतन केहि हो।
बताओ बहनों, हमें कभी भी अपने माता पिता की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनकी बात को कभी टालना नहीं चाहिए, उनकी बात को सभी सुरदारी मानना चाहिए, क्योंकि क्यों? क्योंकि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा खजाना जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई thank you.
मेरे पुत्र, मैं तुम पर बलिहारी जा कहूं राम, वह मंगलकारी लग्न कब है जब तुम्हारा राज तिलक होगा। हे पुत्र, तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर स्नान ध्यान भजन सब कर लो, जिससे तुम अपने कार्यों से निवृत्त होकर फिर अपने पिताजी के पास जाना। वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारे राज तिलक के लिए। इसलिए हे राम, तुम शीघ्र अपने पिता के पास जाओ। सज्जनों, माता की ऐसी ममता में डूबी हुई बातों को सुनकर धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जानते हुए धैर्य धरते हुए भगवान श्री राम अपने माता से बोले। क्या बोली? धीर